हम सब में से बहुत से लोगों ने समंदर के अंदर से पाए जाने वाले अनोखे चीजों में सिर्फ टाइटैनिक के अवशेष के बारे में ही देखा और सुना होगा। लेकिन दोस्तों, बीतते समय के साथ साथ खोजियों को समंदर की गहराइयों से ऐसी ऐसी अनोखी चीजें मिली जिनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वैसे तो हम धरती के समंदर का सिर्फ 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर कर पाए हैं, और इन 5% में ही हमें ऐसी ऐसी चौंकाने वाली चीजें मिली, चाहे वो UFO हो या फिर पूरा का पूरा शहर जिनके राजों से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको समंदर के अंदर से पाए गए कुछ अनोखे चीजों के बारे में बताएंगे जो वाकई ही चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पाईपीडिया के एक नए एपिसोड में। नंबर 1, एंशिएंट ग्रीक कंप्यूटर। वैसे तो हम सब ये जानते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने आज से 200 साल पहले किया था, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर आज से लगभग 2000 साल पुराना है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इस डिवाइस को सन 1900 में एक डाइवर्स की टीम ने यूनानी द्वीप एंटीकाइथेरा के पास एक डूबे हुए जहाज से खोज निकाला था। इस डिवाइस को डिकोडिंग करने में 100 सालों से भी ज्यादा का समय लग गया। साइंटिस्ट के मुताबिक इस डिवाइस को प्राचीन यूनानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का पता लगाने के काम में इस्तेमाल करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी रिसर्च से ये भी पता लगा है कि इस डिवाइस को ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों की गिनती के काम में भी इस्तेमाल किया जाता था। ये डिवाइस जिस मैकेनिज्म में काम करता है उसे साइंटिस्ट एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म कहते हैं। इस डिवाइस की सबसे अनोखी बात यह है कि साइंटिस्ट आज भी ये पता नहीं लगा पाए हैं कि कैसे इसके जरिए इन सब कामों को अंजाम दिया जाता था। नंबर 2, 60 टन ऑफ सिल्वर। साल 2011 में डीप ओशियन रिसर्च की टीम ने एक ब्रिटिश मालवाहक जहाज से 60 टन से भी ज्यादा मात्रा में चांदी का खजाना ढूंढ निकाला, जिसकी कीमत आज के जमाने में करीब $50 मिलियन के आसपास है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटेन को सिल्वर की भारी कमी महसूस हुई, तब उन्होंने भारत से 60 टन के करीब सिल्वर मंगाने का फैसला किया। सन 1941 में ये जहाज कोलकाता से आयरलैंड की ओर यात्रा कर रहा था, लेकिन आयरलैंड के तट पर पहुंचने के 300 मील की दूरी पर ही जर्मन द्वारा किए गए टॉर्पेडो हमले में ये जहाज सारे खजाने समेत समंदर की गहराइयों में समा गया। वैसे तो ये कोई अनोखी चीज नहीं है, लेकिन खोजकर्ताओं के मुताबिक ये खजाना समंदर की गहराइयों से पाए जाने वाला अब तक का सबसे कीमती खजाना है। नंबर 3, रोमन मेडिसिन। इटालियन डाइवर्स की टीम को तस्कनी के ईस्ट कोस्ट के समंदर के नीचे 2000 साल पुराना रोमन मालवाही जहाज का अवशेष मिला। वैसे तो इस जहाज से खोजियों को बहुत सी अनोखी चीजें मिली, लेकिन उन्हें जो आश्चर्य करने वाली चीजें मिली वो ये थी, इन वेसल्स में बंद रोमन दवाएं जो 2000 सालों से इन वेसल्स में वैसे के वैसे ही मौजूद थी। रिसर्च के बाद साइंटिस्टों को ये पता चला कि ये दवाएं जिंक, पेड़ों की छाल, स्टार्च और मोम के मिश्रण से बनी हुई है। मेडिकल साइंटिस्ट के रिसर्च के मुताबिक रोमन इन दवाओं का उपयोग आंखों के इलाज के लिए करते थे, लेकिन इसकी सच्चाई तो किसी को नहीं मालूम। ये दवाएं टीन के वेसल्स में सील होने के कारण इतने सालों से ये वैसे की वैसे ही थी। नंबर 4, एलियन UFO। बाल्टिक सागर की गहराइयों में रिसर्चरों को एलियन UFO जैसी एक चीज मिली जो काफी हैरान करने वाली थी। खोजियों को पहली बार समंदर की गहराइयों से एक एलियन स्पेसक्राफ्ट जैसी चीज मिली। एलियंस में यकीन करने वाले कहते हैं कि ये एलियंस का स्पेसक्राफ्ट है जिसे समंदर के नीचे लैंड कराया गया है। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता। बाल्टिक सागर की 300 फीट गहराई में मिली इस ऑब्जेक्ट की खोज स्वीडिश ओशियनिक्स टीम ने की थी। आप में से बहुत से लोगों को ये ऑब्जेक्ट स्टार वॉर्स मूवी में दिखने वाले स्पेसक्राफ्ट जैसे लग रहे होंगे, और सच में ये ऑब्जेक्ट है भी बहुत ही विचित्र। इस ऑब्जेक्ट से जुड़ी सबसे अचंभित करने वाली बात ये थी कि जब डाइवर्स की टीम इस ऑब्जेक्ट के करीब पहुंची, तब उनके पास मौजूद सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज ने काम करना बंद कर दिया। इस टीम के सदस्यों का कहना था कि जरूर उस ऑब्जेक्ट से किसी प्रकार की अनोखी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही थी, और इसी के कारण उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यहाँ तक कि सैटेलाइट फोन्स ने भी काम करना बंद कर दिया था। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जैसे ही वो टीम उस ऑब्जेक्ट से करीब 200 मीटर की दूरी पे पहुंची, तो उनके सारे डिवाइसेस पहले की तरह ही काम करने लगे। बाल्टिक सागर की गहराइयों में पाया गया ये एलियन स्पेसक्राफ्ट जैसा ऑब्जेक्ट 200 फीट चौड़ा और इसकी लंबाई करीबन 28 फीट बताई जाती है। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि ये कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट है, लेकिन ये चीज असलियत में है क्या, इसकी सच्चाई कोई नहीं बता सकता। नंबर 5, अपोलो 11 रॉकेट इंजन। आज से लगभग 50 साल पहले अंजाम दिए गए मून मिशन अपोलो 11, जिसके जरिए सबसे पहले इंसान ने चांद पर अपना पहला कदम रखा, उस रॉकेट के इंजन को समंदर की गहराइयों में ढूंढने में डाइवर्स कामयाब हुए हैं।
और इस मलबे को समंदर के बाहर निकाला जा चुका है और इस पूरे ऐतिहासिक खोज का श्रेय जाता है दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेब बेजोस को। बेजोस का सपना था F1 इंजिन्स को ढूंढ निकालने का, जिसने सैटर्न 5 रॉकेट को चंद्रमा के कक्ष में प्रवेश करने में मदद की थी, जिसके जरिए नील आर्मस्ट्रांग और ऑल्ड्रिन चांद की सतह तक पहुंचने में कामयाब हुए थे। ये F1 इंजन रॉकेट से अलग होने के बाद समंदर में आ गिरा और जिसे फ्लोरिडा के कोस्ट की 14,000 फीट की गहराई में ढूंढा गया। बेजोस ने अपने एक ट्वीट में कहा, वी फाउंड सो मच। साथ ही बेजोस ने ये भी बताया कि उस इंजन से ओरिजिनल सीरियल नंबर मिसिंग है। इससे ये बता पाना मुश्किल है कि ये अपोलो 11 मिशन का ही हिस्सा है या नहीं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।